हेलो चिल्ड्रन सो इन टूडेज कंप्यूटर वर्क चिल्ड्रन यू हैव टू रीड चैप्टर नंबर टू फ्रॉम योर बुक सो दिस इज योर आई टी स्किल्स बुक चिल्ड्रन लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर नंबर टू नाउ सो दिस चैप्टर इज ऑन पेज नंबर एट चिल्ड्रन लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट दिस इज चैप्टर टू हाउ डू कंप्यूटर्स वर्क सो वॉट डज दिस मीन चिल्ड्रन इसका मतलब यही है बच्चों की कंप्यूटर्स जो हैं वो काम कैसे करते हैं

कीबोर्ड की हेल्प से कंप्यूटर के अंदर कुछ नंबर्स डाल रहा हूं और मैं चाहता हूं कि कंप्यूटर उन नंबर्स को ऐड करे उनका सम करे कैलकुलेटर इज शोइंग टोटल दैट वॉज क्विक सो जय जो है बच्चों वो सरप्राइज हो जाता है कि जैसे ही उसने नंबर्स डाले कंप्यूटर में कंप्यूटर ने फटाफट उसका रिजल्ट दे दिया सो वॉड रोबोट से नाउ राइट जय दैट्स हाउ आर कंप्यूटर वर्क्स तो रोबोट कहता है कि हाँ जय तुम बिल्कुल सही कह रहे हो एक कंप्यूटर जो है वो ऐसे ही काम करता है इट टेक्स द इनपुट वो अपने अंदर इनपुट लेता है जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में नंबर्स प्रोसेसेज इट और फिर कंप्यूटर उन उस पर प्रोसेस करता है जैसे कि नंबर लिए तो कंप्यूटर ने उसको ऐड किया सो काम किया उसके ऊपर उन नंबर्स के ऊपर सो उसे हम बच्चों प्रोसेस कहते हैं एंड गिव्स द आउटपुट इन नो टाइम और कंप्यूटर ने उन नंबर्स पे काम किया उनको फटाफट ऐड किया और बिल्कुल बिना कुछ समय लिए फटाफट से रिजल्ट दिखा दिया टॉपिक्स कवर्ड इन दिस चैप्टर सो बच्चों इसमें हम दो चैप्टर दो टॉपिक्स कवर करेंगे दैट इज इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एंड इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल ऑफ अ कंप्यूटर सो बच्चों ये एक मॉडल है जिस पर कंप्यूटर काम करता है तो उसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे रियल लाइफ के और फिर कंप्यूटर पर कैसे काम करते हैं हम वो देखेंगे सो लेट स्टार्ट कमिंग टू नेक्स्ट पेज दैट इज पेज नंबर नाइन एज यू नो द कम्प्यूटर एज अ मशीन सो बच्चों आप सब जानते हो कि कंप्यूटर जो है एक मशीन है सिमिलर टू एन आयरन वॉशिंग मशीन रेफ्रिजरेटर एट्सेट्रा सो बच्चों जैसे एक कंप्यूटर मशीन है बिल्कुल वैसे ही आयरन वॉशिंग मशीन और रेफ्रीजरेटर ये सब भी मशीन्स हैं मशीन्स कैनॉट वर्क ऑन देयर ओन मशीन्स जो हैं बच्चों वो अपने आप काम नहीं कर सकती Humans have to give instructions or commands to these to make them work. अब human beings जो है इंसान जो है बच्चों वो instructions देते हैं या commands देते हैं मतलब कि उनको order देते हैं तभी जो है ये machines काम करती हैं। ये मशीन्स बच्चों खुद से काम नहीं करती जब हम इनसे काम करवाते हैं ये सिर्फ तभी काम करती है मोस्ट ऑफ द मशीन्स वर्क ऑन एन IPO input process इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल लेट अस अंडरस्टैंड दिस मॉडल विद अ फ्यू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स तो बच्चों ज्यादातर जो मशीन्स हैं वो आई पी ओ पर काम करती हैं अब ये आई पी ओ क्या है आई हीयर आई स्टैंड फॉर इनपुट पी स्टैंड फॉर प्रोसेस एंड ओ स्टैंड फॉर आउटपुट सो बच्चों अब आई पी ओ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल रियल लाइफ एग्जाम्पल्स तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है बच्चों इस एग्जाम्पल में बच्चों हमें ऑरेंज जूस निकालना है सो ऑरेंज जूस निकालने के लिए हमें जो जो सामान चाहिए वो है हमारा इनपुट फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज अब हमें ऑरेंज जूस निकालना है तो बच्चे उसके लिए हमें ऑरेंज तो चाहिए सो दैट इज़ आवर आउटपुट ये हमारा आउटपुट है और इस सॉरी ये हमारा इनपुट है और इस इनपुट से हमें जो आउटपुट चाहिए उसको उसके लिए जो काम करना पड़ेगा बच्चों दैट इज आर प्रोसेस उसे हम प्रोसेस करते हैं आउटपुट निकालने के लिए जो भी काम होता है जो काम करना पड़ता है उसे हम प्रोसेस कहते हैं जैसे कि अब हमें ऑरेंज का जूस चाहिए ऑरेंज जूस निकालने के लिए बच्चों हमें ऑरेंज जूस को जूसर में डालना पड़ेगा और उसे ऑन करना पड़ेगा तभी तो हमारा जूस निकलेगा तो इनपुट इस एग्जाम्पल में बच्चों जो इनपुट है वो है हमारे ऑरेंजेस क्योंकि ऑरेंजेस ही नहीं होंगे तो हम जूस नहीं निकाल पाएंगे और क्या काम किया हमने ऑरेंजेस पे बच्चों हमने इनको जूसर में डाला और जूसर को ऑन किया तो ये जो काम हुआ है बच्चों दिस इज प्रोसेस और रिजल्ट क्या निकला बच्चों कि जूसर से हमें क्या मिला ऑरेंज जूस तो ऑरेंज जूस जो है चिल्ड्रन वो है हमारा आउटपुट यानी कि हमारा रिजल्ट सो दिस इज आई पी ओ आई फॉर इनपुट पी फॉर प्रोसेस एंड फॉर आउटपुट सो दिस इज आई पी ओ साइकिल एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल इसी तरीके से बच्चों हमारे कंप्यूटर्स भी काम करते हैं फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जैसे ऊपर डिस्कस किया इनपुट जे ए ने क्या दिया बच्चों कीबोर्ड के थ्रू जो नंबर्स कंप्यूटर में डाले गए हैं बच्चों वो है हमारा इनपुट क्योंकि अगर नंबर्स ही नहीं होंगे तो हम एड ही नहीं कर पाएंगे सो so, इनपुट क्या है बच्चों हमारा इसमें जो नंबर्स हमने डाले हैं ऐड करने के लिए अब प्रोसेस प्रोसेस क्या है बच्चों इनमें जो कंप्यूटर ने सीपीयू में ऐड किए सीपीयू ने या कंप्यूटर ने जब नंबर्स को ऐड किया सो वो काम हुआ उस काम को बच्चों हम प्रोसेस कहते हैं एंड आउटपुट जो रिजल्ट हमें मिला हमें क्या रिजल्ट मिला बच्चों कि उन दोनों नंबर्स को हमें टोटल मिला है सो so, जो टोटल है बच्चों वो हमारा रिजल्ट है सो so, इसमें आई इनपुट क्या है बच्चों हमारा नंबर्स जो हमने कंप्यूटर में दिए हैं प्रोसेस है एडिंग ऑफ द नंबर्स एंड रिजल्ट क्या है बच्चों हमारा जो टोटल हमारा निकला है दैट इज आर रिजल्ट सो इनपुट नंबर्स एडिंग इज प्रोसेस एंड टोटल इज आउटपुट सो दिस इज आईपीओ इसी तरीके से कंप्यूटर में भी काम होते हैं बच्चों एंड ये हमारा रियल लाइफ एग्जाम्पल है आगे देखते हैं बच्चों द इनपुट्स वेन वर्कड अपॉन इन समे लाइक

एंड वाटर कुकिंग एंड कुक्ड राइस सो बच्चों हमें आउटपुट चाहिए कुक्ड राइस मतलब हमें खाने हैं पके हुए चावल मतलब अगर आपको खाने का मन है तो हमें उसके लिए क्या क्या इनपुट्स चाहिए हमें उसके लिए चाहिए बच्चों कच्चे चावल और पानी और उस पर प्रोसेस मतलब हमें क्या काम करना पड़ेगा चावल और पानी पे कि उनको हमें पकाना पड़ेगा तो ही हमें क्या रिजल्ट मिलेगा बच्चों तो हमें मिलेंगे पके हुए चावल जिनको हम खा पाएंगे सो दिस इज़ इनपुट क्योंकि अगर चावल ही नहीं होंगे बच्चे तो हम पकाएंगे कैसे सो इनपुट इज़ अनकुकड राइस कच्चे चावल बिना पके हुए चावल या फिर पानी एंड प्रोसेस क्या काम किया बच्चों हमने हमने इन दोनों को पका दिया सो दैट इज़ आर प्रोसेस ये हमने काम किया है और इनपुट पर जब हमने कुछ काम किया तो वो आउटपुट में चेंज हो गया और हमारा आउटपुट क्या है बच्चों कुक्ड राइस मीन्स पके हुए चावल सो so, दिस इज आई पी ओ साइकिल बच्चों ये इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल है आई थिंक इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको आईपीओ क्लियर हो गया होगा बच्चों की कैसे एक कंप्यूटर या फिर बाकी सारी मशीन्स जो है वो आई पी ओ साइकिल पर काम करती हैं कंप्यूटर पर कैसे काम करती हैं बच्चों वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे थैंक यू चिल्ड्रन